के हिंदू मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिससे दरगाह ने बेबुनियाद बताते हुए विषैली मानसिकता करार दिया है। और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। अजमेर दरगाह के मंदिर होने का दावा। अजमेर जो दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए स्ट्रक्चर से बना है। हिंदू पक्ष ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। मुस्लिम पक्ष ने चेताया। विषैली मानसिकता को दर्शाता है दावा। हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता दावा कर रहे हैं कि अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर तोड़कर बनाई गई। उस समय बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, उसमें एक संकट मोचन महादेव मंदिर भी है जो कि उनके जो आज्ञाकारी शिष्य रहे उन्होंने तोड़ा, और बाद में जब चिश्ती की मौत होगी उसके बाद उसी मंदिर को तोड़कर जो नीचे तहखाना है जो गर्भगृह है उसमें उनकी कब्र बना दी। अपने दावे के पक्ष में हिंदू सेना देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता और समाज सुधारक हरविलास शारदा की किताब को उल्लेखित कर रहे हैं। हरविलास शारदा जो कि अजमेर के म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रहे चीफ और बाद में अजमेर कोर्ट के सेशन जज भी रहे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक में बहुत सारे विस्तार से बताया है कि अजमेर जो दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए स्ट्रक्चर से बना है। हिंदू सेना अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने, पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और दरगाह से अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रही है। हिंदू सेना के दावे को दरगाह दीवान प्रतिनिधि नसीरुद्दीन अली ने सिरे से खारिज कर दिया है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है, लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। नसीरुद्दीन अली जोर देकर कहते हैं कि वो दर है जिसे दिल्ली सल्तनत, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों तक ने बड़े सम्मान की नजर से देखा है और अपनी आस्था जाहिर की है। मुगलों से पहले तुगलक हो, खिलजी हो, राजपूत राजा हो, यहां तक के मराठा भी, सबने इसमें अपनी अकीदत जाहिर की है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है, सबने मान सम्मान की नजर से इस धार्मिक स्थल को देखा है। और उनके बाद में अंग्रेजों भी है, हुकूमत आई, उन्होंने भी मान सम्मान की नजर से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल इंडस्क्रिप्टिव, जो हरविलास शारदा जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बुधवार को 2 बजे के बाद इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने इस केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया। सबसे पहले तो हमारा ये होगा कि जिस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन नहीं है उस कोर्ट में ये फाइल पहुंचे एंड फिर नोटिस इशू हो और ट्रायल प्रोसीड हो। हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन में दायर किया था, अब हम एप्लीकेशन मूव करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में, वहां से फिर जो ज्यूरिडिक्शनल कोर्ट है वहां केस ट्रांसफर होगा। गौरतलब है कि हिंदू सेना से पहले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था। इसके बाद फरवरी में वीर हिंदू आर्मी ने भी ऐसा ही दावा किया था। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।